Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut mein badmashon ke hausle buland ho chale hain. Shahar ke vibhin ilaqon mein ve lagatar jewelry showroom ko nishana bana rahe hain. Sabhi vardaton ko nale athwa aas-paas ke kshetr se शोरूम तक सुरंग बनाकर अंजाम दिया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक विशेष गैंग इन घटनाओं में लिप्त है। आज गढ़ रोड स्थित प्रिया ज्वेलर्स की दुकान में सुरंग बनाकर चोरी करने का प्रयास किया गया। सुबह दुकान खोलने पर इस वारदात का खुलासा हुआ। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लगातार हो रही घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा है कि पुलिस को जमीनी रूप से काम करना होगा, बंगले में सोने से अब काम नहीं चलेगा। वहीं पीड़ित दुकानदार ने कहा कि वह तमाम बीमारियों से घिरे हुए हैं, ऐसे हालात रहे तो उन्हें दुकान हमेशा के लिए बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। व्यापारियों ने एडीजी राजीव सब्बरवाल से भी मुलाकात कर घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की। घटना के बाद मौके पर मौजूद संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री व मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद ने यह जानकारी दी। हमारे सर्राफा व्यापारी हैं अरमिंदर जी, प्रिया ज्वेलर्स के नाम से। आपका यहाँ पर सर्राफे का व्यापार है, आप किले के रहने वाले हैं और बहुत प्रमुख व्यवसायी हैं वहाँ के, किले के भी और हमारे मेरठ के भी। आपके यहाँ अब से 6 महीने पहले भी इसी प्रकार की घटना हुई, सुरंग बनाकर इसी सामने वाले नाले से सुरंग बनाकर इस दुकान में, इस जगह जहाँ ये लोग खड़े हैं वहाँ से एंट्री करी गई। सारे जितने पुलिस अधिकारी थे सब ने स्पेशली हमको ये कहा था कि जी हम इस घटना को जल्दी खोलेंगे। हम लगातार प्रयास करते रहे, वो घटना नहीं खुली। उसके बाद आपने देखा कि थाना परतापुर में भी फिर सर्राफा व्यापारी के साथ एक घटना हुई और उस घटना में भी इनाम विनाम भी घोषित हुआ, सारी बात हुई, अध्यक्ष जी भी गए, लेकिन आज तक वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अब तीसरी घटना फिर उसी सर्राफा व्यापारी के प्रिया ज्वेलर हरविंदर राणा जी की हुई है। आखिरकार हम क्या करें? या तो हम अपना माल तिजोरी में रखें या आप अपराधियों को जेल में रखें। हम अपराधी अगर बाहर रहेंगे तो हमारा माल तिजोरी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो गैस कटर लेके आए, आप लोगों ने देखा। वहीं संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने यह कहा। चोरी करने का प्रयास हुआ था, नुकसान हुआ। उसके बाद सर्राफा व्यापारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अंतापुर थाना क्षेत्र में इसी प्रकार से नाले में सुरंग खोद कर एक व्यापारी के यहाँ पहले चोरी हुई, उसके बाद दोबारा फिर अटैम्प्ट, उसमें भी उसका कुछ आर्टिफिशियल सामान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस पर हमने विरोध दर्ज कराया, मौके पर एडीजी को बुलाया गया था। उसके बाद पुलिस मेरठ की पुलिस टीम सक्रिय हुई, घटना के जो अपराधी हैं उनके बारे में पता लगा, लेकिन अफसोस की बात यह कि अपराधी आज तक पकड़े नहीं। अब ये घटना हो गई, तरीका दोनों जगह एक है। पुलिस को समझना चाहिए कि काम करना पड़ेगा, केवल बंगले में सोने से काम नहीं चलने वाला। इस बारे में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अरविंद चौरसिया ने यह जानकारी दी। देखिए, अभी ये सुबह सूचना मिली 11 बजे कि इस तरह एक दुकान में सुरंग बनाने का प्रयास करके घुसने का प्रयास किया गया है। मौके पर यहाँ निरीक्षण किया गया तो कुंबल भी लगा है और एक बगल नाला जा रहा है जिससे स्पष्ट हो रहा है। अभी नाले में उतारने की जाँच की जाएगी कि यहाँ पर किस पॉइंट से वो लोग एंट्री किए हैं। तो ऐसे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इस तरह की सुरंग बनाने का प्रयास किया है। कटर वगैरह इनके साथ सिलेंडर वगैरह भी बरामद हुए हैं, इसमें गहराई से जांच करके इनके शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। पहली बार का घटना खत्म हो चुका है। अब बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 6 महीने पहले भी इस तरह की घटना का प्रयास किया गया है, तो इसमें शीघ्र ही घटना का अनावरण करने का हम लोग पुलिस चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए इसे अनावरण करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल।
शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।